भागलपुर बांका जमुई मुंगेर और खगड़िया में तूफान का असर। चक्रवाती तूफान जवाद के असर में छाए रहेंगे बादल। 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। पीर बेचने वाली बच्ची को तेज प्रताप ने दिया आईफोन। पटना में फुटपाथ पर मासूम को देख ठहरे। 50,000 का फोन दिया, कहा खूब पढ़ना। बेगूसराय डकैती की आंखों देखी। घर में घुसते ही बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक। बच्चों की जान पर आई तो फैमिली ने घुटने टेके। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या। शादी की पार्टी से लौट रहा था युवक, पहले से घात लगाए अपराधियों ने मारी गोली। 7 दिसंबर को बिहार आ रहे हैं आईपीएस शिवदीप लांडे। लौटने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, इकबाल मिर्ची को नहीं पकड़ने का रह गया मलाल। बिहार में 23 एक्टिव केस, सबसे अधिक पटना में। कोरोना के आंकड़े कम लेकिन बढ़ रहा संक्रमण का खतरा। अब तक 7,26,231 संक्रमित। ऑनलाइन कैलकुलेटर से होगा शिक्षकों के वेतन का निर्धारण। 3.5 लाख शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन निर्धारण के लिए बजट जारी। 1 अप्रैल 2021 से 15% बढ़े वेतन का भुगतान। वीडियो साहब को मुस्कुराकर भीड़ का वीडियो बनाना पड़ा भारी। निर्वाचन कार्य से हटाए गए। रितु जायसवाल ने लगाया था पक्षपात का आरोप। बिहार में 3.2 लाख एकड़ जमीन लापता। 67 साल पहले दान में मिली थी। मंत्री ने कहा, हमारे पास कागज ढूंढने के लिए भी कर्मचारी नहीं है। मंच पर सीएम नीतीश, पोस्टर से पीएम मोदी गायब। बेतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्घाटन पोस्टर में नहीं थे पीएम। बीजेपी विधायक ने जताई आपत्ति। 1 महीने में 3.5 लाख बेटिकट यात्री जांच में पकड़े। पूर्व मध्य रेलवे के 5 मंडलों के स्टेशनों पर चल रहा टिकट जांच अभियान। वसूला गया 20 करोड़ से अधिक जुर्माना। खगड़िया में युवक की सड़क हादसे में मौत। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का सुपरवाइजर था युवक। बाइक से घर लौटते वक्त अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। सीतामढ़ी में व्यक्ति को मारा चाकू। सोए अवस्था में सीने में मारी चाकू, हालत गंभीर। नालंदा में जमीनी विवाद में युवक की हत्या। पिता की हालत नाजुक, बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर। मुजफ्फरपुर में आए हॉस्पिटल सील। आग फुरवा कांड के बाद प्रशासन की कार्रवाई। हॉस्पिटल के ओटी कार्यालय और दवा दुकान को किया सील।